जी सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूंगा कि मैं अजय यादव हूँ। छतरपुर मध्य प्रदेश में मेरा निवास है और यहाँ पर मैं पत्रकारिता से सरोकार रख रहा हूँ। अटल भूजल में सेव वाटर को लेकर डेली 81 पंचायतों में क्रमवार हम जाते हैं और जितना अच्छा हम जल को समझाते हैं, जल से जुड़कर यूएचबी के माध्यम से भी मानव मूल्यों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। अपने बारे में बताना चाहूंगा, काफी अच्छे पुरस्कार मुझे मिले हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे अंदर यूएचबी जुड़ने से पहले जो एक विचलन था, जो एक कहना चाहिए एक घबराहट थी कि हमारा कुछ छिन ना जाए, हमारा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान चला ना जाए, वो अब काफी परिवर्तित हुआ है। और आदरणीय श्री भगवान सिंह भाई साहब के माध्यम से मुझे मौका मिला गणेश जी से मिलने का और उन्होंने भी कहा कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय अब आप परिवार के बाद समाज में और देश के लिए भी लगाएं। आगे मैं बताना चाहूंगा कि यूएचबी को स्टेप बाय स्टेप मैं जानना चाह रहा था और इस विधि को अभी तक मैं लगभग 3 वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ कि इसे और अच्छे से जानूं, जो मुझे पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और इतने पुरस्कार के बाद भी मैं चिड़चिड़ा था। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगतना पड़ा, मेरी अर्धांगिनी को भुगतना पड़ा कि हमारी लड़ाइयां इतनी तीव्र हो गई थी कि हम डिवोर्स तक पहुंच चुके थे और हमारे बच्चे ये सब झेल रहे थे, वो परेशान हो रहे थे। और अंतिम निर्णय लेने की जब बारी आई तो आदरणीय भाई साहब भगवान सिंह भाई साहब ने बीच में आकर, हमें पता ही नहीं चला कब ये सब शॉर्ट आउट हो गया, कौन सा उन्होंने चमत्कार किया, क्या दिव्यता थी, और वो सारा की सारा यूएचबी से रिलेटेड था, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं इससे जुड़ता गया और जुड़ते जुड़ते आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपनी दूसरी बार शेयरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहली बार जो मेरे अंदर घबराहट थी वो अब कम हुई है। कहना चाहूंगा कि आज लगभग 9 साल हो चुके हैं हम पति पत्नियों को, लेकिन हम अब जो झगड़े जो हमारे 90% होते थे अब वो 100 में से कहना चाहिए 1 ही% बचा हुआ है और वो भी बहुत मामूली होते हैं जो पति पत्नी में होते हैं। तो ये एक अच्छी बात देखने को मिली है कि हम काम अब जो पहले हम बाहर करते थे वो अब हम खुद में कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भी बदलाव आए हैं वो यूएचबी के माध्यम से आए हैं, तो मैं कृतज्ञ हूँ यूएचबी के लिए कि मेरा परिवार आज टूटने से बचा है। मेरे बच्चे जो आज सुन पा रहे हैं वो अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। हमारे परिवार में जो चर्चाएं होती थी, बातें होती थी, उनको दो दो तीन तीन महीने का गैप होता था, लेकिन अब ये जो एक सभा है, परिवार सभा, इसके माध्यम से अब हम लोग डेली बैठ रहे हैं और जो 15 मिनट का समय था अब वो लगभग 1 घंटे, 1.5 घंटे, कभी कभी 2 घंटे, 3 घंटे तक पहुंच रहा है। कभी कभी सबसे ज्यादा जुड़ाव मम्मी पापा का हमारे साथ हो रहा है। और दैनिक रूप से अब हम जो साप्ताहिक होती थी पहले परिवार सभा, वो अब हमारी दैनिक हो रही। इन चर्चाओं का जो विषय है वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान झगड़े का विशेष होता था पहले, लेकिन अब परिवार सभा जब से शुरू हो रही है इसमें ये सब चीजें नहीं है, इसमें बहुत सार्थक बातें होती हैं और सभी अपनी बातें रखते हैं। मेरे कार्यस्थल में भी जो बदलाव यूएचबी में थोड़ा बहुत जो मैं जान पाया हूँ उसमें मेरी जो पत्रकारिता थी वो नकारात्मकता से अब सकारात्मकता की तरफ आ रही है। जो चुनाव के समय बड़े बड़े लिफाफे दिए जाते थे अब ना वो लिफाफे दिखते हैं ना उनका वजन, क्योंकि अब हम जो पॉजिटिव पत्रकारिता की तरफ अपना ध्यान हमने लगाया है और कोशिश करते हैं, जो नौगांव में लिविंग सेंटर है तो वहां पे जो भी अच्छा हो रहा है, परिवार सभाएं हो रही हैं, या जो जेल में अभी शिविर लगाया गया था कैदियों के बीच में, मुझे भी बुलाया गया, मैंने अपनी बात रखी, उन सभी को वीडियोग्राफी करना, उनकी स्क्रिप्टें लिखना, तो सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये सारी चीजें। इतने सारे बदलाव देखकर काफी कुछ लोगों को हमारी पत्रकारिता में भी अब लोग संशय करते हैं कि ये अब पत्रकार नहीं रहे, ये सिर्फ अब
सकारात्मक चीजें ही लिखते हैं, इसलिए हमें लोगों ने बुलाना भी कम कर दिया है। नौगांव में जो हमारा लिविंग सेंटर है वहां पर हम कभी कभी पहुंचते हैं जब भी मौका मिलता है। एक बार रिंग सेरेमनी में भी मुझे जाने का मौका मिला जो प्रकृति के बीच में हुई। उस अनोखी रिंग सेरेमनी को मैंने कवर किया, अपनी बातें लिखी। तो इस तरीके से छोटी छोटी भागीदारी करने का मौका भी आदरणीय श्री भाई साहब के माध्यम से मिल रहा है। और श्रीमती अरुणा भगवान सिंह परमार द्वारा भी अब मैं प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हूँ। जो पूरा हमारा परिवार था वो मेडिकल मेडिसिन पर ज्यादा आधारित था, लेकिन अब हम लगभग 2-3 वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा ही ले रहे हैं। और बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, तो इसमें हमारे बच्चे भी प्रकृति के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और अगर अब बात करूं मैं अपनी अभ्यास की, एक्सरसाइज वन के स्टेप वन की, तो मैं सीधे तौर पर देख पा रहा हूं कि मैं अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से ही सहज और असहज हो रहा। कभी जो सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन इसका सीधा सीधा जो निर्णय है वो स्वयं में ही ले पा रहा। दूसरे स्टेप में यह क्लियरिटी बन रही है कि निर्णय लेने का जो मेरा आधार है वो मेरे संस्कार, परिस्थिति या मैं स्वयं खुद हूं जो मैं सारे निर्णय लेता हूं, और इन्हीं निर्णय के आधार पर मैं सुखी या दुखी होता हूं। अगले स्टेप के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। इस बात की सह स्वीकृति बनती है कि संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व ही मुझे अच्छा लगता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं, ना कि अव्यवस्था में, विरोध में और शोषण में मुझे अच्छा लगता है। अगले स्टेप में मुझे यह स्पष्टता बननी है कि जब भी मैं संबंध व्यवस्था और अस्तित्व में होता हूं तो बहुत सुखी होता हूं, और जब विरोध में आता हूं तो बहुत दुखी होता हूं। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अभी और ज्यादा मुझे अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारा संबंध क्या है, इस व्यवस्था में हमारी भागीदारी क्या है। तो इसमें अभी मेरा प्रयास और ज्यादा चल रहा है। अगले स्टेप में यह स्पष्टता बनी कि हमेशा सुखी रहने के लिए संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व ही आवश्यक है। इसी के आधार पर ही हम निरंतर सुखी रह सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में जो पहला स्टेप है उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि सेल्फ और शरीर का जो आदान प्रदान हो रहा है, अब मैं उसको स्पष्ट देख सकता हूं कि दोनों के बीच में जो भी आदान प्रदान है वह सूचना का है, संवेदना के माध्यम से। जो भी सूचना सेल्फ को मिलती है उसी आधार पर हम निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय लेने का पूरा अधिकार मेरा ही होता है। अगले स्टेप में यह स्पष्टता बनती है कि मैं, मेरा शरीर और संवेदना, ये तीनों पृथक हैं, अलग अलग हैं। ये भी मैं देख पा रहा हूं। बाहरी सूचना जो भी मुझे प्राप्त होती है वो अच्छी है, बुरी है, मुझे सुख दे रही है या दुख दे रही है, यदि मैं समझदार हूं तो मैं हमेशा सुखी रहूंगा, अपने आप में, अपने निर्णय में बना रहूंगा, क्योंकि समझदारी पूर्वक लिया गया निर्णय ही मेरी स्वतंत्रता या परतंत्रता को स्थापित करता है। मैं और मेरा शरीर हमेशा शून्य में रहते हैं, जो दोनों की दूरी है। यहां तक अभी थोड़ी थोड़ी मेरी बात स्पष्ट हो रही है, यहां तक मैं अपने स्टेप्स थोड़े थोड़े अभ्यास में इनको कर रहा हूं और सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आज मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का, तो मैं एक बात और कहूंगा कि जो हम घर में या परिवार में कर रहे हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है, क्योंकि पहले परिवार है, फिर समाज है, फिर देश है। तो गुरुजी ने भी कहा है कि पहले आप खुद से मजबूत बनिए, अंदर से मजबूत बनिए, बनिए अपने परिवार को मजबूत बनाइए, उनमें सार्थक विचारधाराएं लाइए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। जो हम कहीं संस्कारों में अच्छे नहीं हैं या अभी जो हम सुधार रहे हैं उन संस्कारों से हमारे बच्चे प्रभावित ना हो, तो उन पर क्या हम ज्यादा कार्य कर सकते हैं। इसमें मेरी धर्म पत्नी जी भी
प्रयास कर रही हैं, परिवार में कैसे वो बच्चों में एक बदलाव देख रही हैं। हमारी बेटी भी, हमें अब झगड़ा होता है तो वो ज्यादा बोल नहीं पाती या ज्यादा डांट नहीं पाती, तो छोटी है 5 साल की, तो केवल मुंह में उंगली रख लेती और कहती है मम्मा चुप और डैडी चुप। तो ये एक अच्छा माहौल मिला हमें यूएचबी से, इतनी बात मैं कहना चाहूंगा। जी नमस्ते, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग अजय भैया और पूरे परिवार के द्वारा, और मैं भगवान भैया के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इस तरह से कंट्रीब्यूट किया है अजय भैया के पूरे परिवार के व्यवस्था में। और जिस तरह से अजय भैया ने अपने ऊपर काम किया है, पत्नी ने अपने ऊपर काम किया है, माता पिता बच्चों का भी सहयोग भागीदारी रहा है, ये बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है किस तरह से परिवार में व्यवस्था बन सकती है, किस तरह से परिवार सुखद स्थिति में हो सकता है। और मुझे लगता है हम सब लोगों को, आप सब लोगों की जो शेयरिंग हुई अजय भैया और परिवार की, उसको सुनकर बहुत प्रेरणा मिली है। बहुत ही अच्छी बात है भैया, एक बहुत ही सुखद सफल परिमार्जन देखने को मिल रहा है आपके परिवार में। इसमें मेरी बस यह एक आशा होगी कि अब हम ज्ञान वाले भाग में काम को कसरत करते रहें, अपने ऊपर ध्यान देते रहें, अपने भाव में परिमार्जन के लिए और आगे हम काम करें सब परिवार। और जब परिवार का पूरा सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से हम सबकी गति बनती है, तो उस काम को अब हम बनाए रखें। उसको एक इनिशियल सक्सेस हमें मिला है, जिस तरह से परिवार में हारमोनी बनी है, आप लोगों के जीने को देखकर बच्चों में भी प्रेरणा बन रही है और बच्चे भी अब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो आपका परिवार एक केंद्र हो सकता है ना आसपास के समाज की व्यवस्था के लिए, तो उसको दृष्टि में लेकर चलें, उसका एक विजन बना के चलें। और बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही, मैं कहूँगा जो यहाँ पे अभ्यास के बिंदु हैं उस पे हम सभी काम करें, और अगली बार जब आप शेयरिंग करते हैं, मुझे आशा है कि आप लोग तो आगे तो कंटिन्यू करेंगे इस मॉर्निंग सेशन में, अगली बार जब शेयरिंग करें तो इन बिंदुओं को लेकर भी करें, और उससे क्या होगा कि जो अभी परिवर्तन हुआ है ना उसमें एक अस्थायित्व आएगा। सुख का स्रोत यदि हमें स्वयं में दिखने लगे तो परिवार की अनुकूलता तो बनी ही रहती है, साथ में उसमें अस्थायित्व तो भी आ जाता है, तो उसके लिए हम सतत काम करते रहें। बट बहुत ही अच्छी शेयरिंग, दोनों ही शेयरिंग आज अभिषेक जी की और अजय जी की परिवार सहित बहुत अच्छी रही। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।